गुड आफ्टरनून एवरी वन स्वागत है आप सभी का माई YouTube चैनल पे माई सेल्फ सागरिका शर्मा uh, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास में फ़िशरीज को स्टार्ट किया था फ़िशरी के बारे में जो पॉन्ड कल्चर सिस्टम था सारा एक्वा कल्चर जिस दिस, कौन कौन से टाइप के पॉन्ड्स में किस वाटर रिसोर्स में फिशरीज की रेयरिंग की जाती है वो सारा हमने स्टडी किया था उसके साथ ही आज हम फिशरी का नेक्स्ट पार्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका लाइफ साइकिल उसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने uh, Oh. प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है प्री पीजी का कोर्स ज्वाइन करना है या फिर आपने एम एस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आई सी आर जे आर एफ एस आर एफ इसके अलावा नेट के लिए प्रपरेशन स्टार्ट करनी है तो हमारा न्यू कोर्स जो है वो लॉन्च होने जा रहा है फाइव जनवरी को इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो इसमें सीट्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड हैं इसीलिए आपको थोड़ा सा हरी अप करना पड़ेगा एंड इसके अलावा अगर आपने ए एफ ओ मेन्स के टेस्ट सीरीज़ प्लस इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी आप बहुत कम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसी के साथ आज हम जो लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे साथ में हम उन क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे जो कि फिशरीज के इस पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो सबसे पहले लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि लाइफ साइकिल का जो स्टार्ट है फिशरीज के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर वो एग स्टेज से ही स्टार्ट होता है तो इसी वजह से सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि फिशरीज का लाइफ साइकिल जो है वो कितनी स्टेजेस का होता है कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस का होता है तो यहां पे आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि कहीं जगह पे आपने सिक्स पढ़ा होगा कहीं पे आपने सेवन पढ़ा होगा बट इसका जो राइट right आंसर है वो क्या होगा बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा कि फिशरीज का लाइफ साइकिल जो है वो कितने स्टेजेस का होता है सिक्स और सेवन वैसे तो यहाँ पे है कि

तो पहली जो स्टेज है मेनली अब आपको पता है कि जो लाइफ साइकिल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एग स्टेज से स्टार्ट होता है तो फिशरीज का लाइफ साइकिल भी जो है वो एग स्टेज से ही स्टार्ट होता है बट उसके बाद अगर हम बात करें एग के बाद कौन सी स्टेज आती है या फिर आ, किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं किया है कि लाइफ साइकिल फिशरीज का कितने नंबर ऑफ स्टेजेस का होता है तो एग के बाद इसका जो आएगा आपका कौन सा स्टेज आएगा तो अब हम बात करते हैं इनकी स्टेजेस के बारे में तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी एग स्टेज से स्टार्टिंग होगी और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसको हम अब आपको यह भी पता है कि एग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो लार्वा स्टेज आती है बट फिशरीज के, के केस में में उस लार्वा स्टेज को हम बोलते हैं तो कई बार एग्जाम क्वेश्चन भी आ जाता है कि फिशरीज के लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज क्या होती है तो मेनली हम एग को फर्स्ट फर्स्ट स्टेज कभी भी कोडर नहीं करते हैं एग तो एक स्टार्टिंग प्रोसेस है एग के बाद जो है लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है तो एग को हमने एग वाली स्टेज, स्टेज को एक्सक्लूड करना होता है और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज है मतलब कि लार्वा स्टेज है वहां से हम उसका फर्स्ट फेज को कंसिडर करके चले

इसके बाद थर्ड स्टेज आती है इसकी स्पॉन स्टेज तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं एक तो ये बनता है कि जो फिशरीज हैं फिशरीज़ हैं फिशेज के अंदर ट्रू माउथ की डेवलपमेंट जो है वो किस स्टेज में होती है एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है तो अभी आपने इसका आंसर करना है कि फिशरीज के अंदर जो ट्रू माउथ की डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में होती है दूसरा आपने ये आंसर करना है कि कितने टाइम पीरियड तक हमें फिशरीज को एक्सटर्नल फूड नहीं प्रोवाइड करना पर, करवाना पड़ता क्योंकि उसकी जो उसका लार्वा होता है उसके नीचे योक नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर उसको फूड ऑटोमेटिकली मिल जाता है फॉर टू टू थ्री डेज तो जब वो योक ऑब्जॉर्व हो जाएगा मतलब कि वो वहां से डिसअपियर हो जाएगा फिश की बॉडी स्ट्रक्चर से उसके बाद से हमें एडिशनल फूड वहां पे अप्लाई करना पड़ता है और उसी के बाद हम बोलते हैं कि फिशरीज के अंदर ट्रू माउथ की डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है तो अब आपके लिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनती है कि सैक क्या होता है यॉक सैक का काम क्या है यॉक सैक किस स्टेज में अब्सॉर्व होता है कितने दिनों में अब्सॉर्व होता है प्लस फिशरीज के अंदर ट्रू माउथ की डेवलपमेंट जो है वो किस स्टेज में होती है तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत बेसिक एंड ईजी क्वेश्चन एक बार आपने लाइफ साइकिल को पढ़ लिया तो आपके लिए बिल्कुल भी इजी रहे बिल्कुल ईजी रहेंगे आपको एक परसेंट भी जो है इसके ऊपर जो है वो याद नहीं करना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा खुद ब खुद तो अब हम बात करते हैं इसकी स्पॉन स्टेज की तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एग के बहुत

सैप एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि फिशरीज का माउथ की डेवलपमेंट हो जाती है मतलब कि जब योक्साइड एब्जॉर्ब होगा तभी फिशरीज को फूड अब दोबारा से उसने फूड कंज्यूम करना है तो फूड कंज्यूम करने के लिए उसके खुद का माउथ होना चाहिए तब उसके बाद जो है उसकी माउथ की डेवलपमेंट होती है तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फिशरीज के अंदर योक्साइड किस स्टेज में अब्जॉर्ब होता है तो वो आपका स्पॉन स्टेज में अब्जॉर्ब होता है उसके बाद फिशिज के अंदर ट्रू माउथ की डेवलपमेंट जो है वो किस स्टेज में होती है वो होती है फ्राई स्टेज में और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्टेज में क्या होता है तो सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है उतने को देख लेते हैं कि हैसलिंग स्टेज का मतलब क्या है इट हैज सैक हैंगिंग बिलो फ्रॉम विच इट ड्रॉज न्यूट्रिशन ये हमने पढ़ लिया है इसका दूसरा नेम क्या है इसको हम लार्वा स्टेज भी बोलते हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इस स्टेज में फिशरी का माउथ डेवलपमेंट जो है वो नहीं होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आता स्पॉन स्पॉन क्या होता है इन दिस स्टेज नेचुरली फूड मिल रहा था उसको automatically उसकी body में था था कि जिससे उसको खुद food मिल रहा था, वो अब absorb हो जाता है तो अगर वो एब्सॉर्ब हो गया तो फिश ने फूड तो खाना ही है तो वो कैसे खाएगी तो इसी वजह से आपका जो है वो माउथ डेवलपमेंट आपकी हो जाती है स्टेज में ही एंड जो है फिश जो है वो लिटल फूड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है एट दिस शेप अब फ्राई स्टेज कौन सी स्टेज होती है फ्राई स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फिश का जो एक्चुअल शेप होता है एक नॉर्मल फिश को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं शेप के थ्रू वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है आपने साइजी डेवलपमेंट की बात हमें नहीं की है बट फिशरी की जो फिशिज की ट्रू शेप है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है तो किस स्टेज में होती है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फिश लाइक शेप या फिश की जो एक्चुअल में शेप होती है वो किस स्टेज में डेवलप होती है तो वो आपका फ्राई स्टेज में डेवलप होती है इट कैन ग्रो अब इसमें इसका साइज कितना होगा तो इसमें फिश का जो लेंथ बाई साइज है वो वन टू तो टू सेंटीमीटर का होता है एंड फीड तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि फ्राई स्टेज में फिश जो है वो किस चीज के ऊपर फीड करती है तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करें किसी भी वाटर स्ट्रक्चर की या फिर वाटर रिसोर्स की या ओशन की रिवर भी रिवर की उसके अंदर जो है वो दो काइंट की आपको फूड अवेलेबल रहेगा जो की प्रेजेंट हो जिसको हम क्लासीफाई करते हैं तो एक होता है फाइटो प्लांगटोन दूसरा होता है जू प्लांट तो जू प्लांक्टॉन्स का मतलब क्या है कोई भी अदर स्मॉल एनिमल लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एनिमल ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर फिश अगर उसको कंज्यूम कर रही है एज अ फूड तो उसको हम जो है वो जू प्लांटोन बोलते हैं और फाइटो का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर वाटर रिसोर्स के अंदर जितने भी आपके आ, प्लांट्स प्रेजेंट है कोई भी वेजिटेटिव ग्रोथ है वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं आपका किसी भी वेजिटेशन को फाइटो प्लांटोन बोलते हैं तो ये यह आपका यहाँ पे यही रहेगा अब यहाँ पे आपका जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फ्राई स्टेज में फिश जो है वो किस चीज के ऊपर फीड करती है तो किसके ऊपर करेगी जू प्लांटोन के ऊपर करेगी वो क्यों करेगी क्योंकि फिश अभी जो है वो न्यूली डेवलप होना स्टार्ट हुई है अब उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की ज्यादा फूड की जरूरत है सो so दैट की वो उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ प्रॉपर हो सके तो इसी वजह से क्या है इस स्टेज में इसकी फीड की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है और

तो उस स्टेज को हम क्या बोलती हैं फिंगरलिंग स्टेज बोलती हैं तो ये सारी स्टेजेस यहां तक आपका नॉर्मल से लेके फिंगरलिंग तक मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और ये जो है वो दिस इज द सुटेबल स्टेज फॉर स्टॉकिंग इन पॉन्ड्स अब हमें साथ में ही लाइफ साइकिल के साथ ये भी पता होना चाहिए कि फिश का जो है किस स्टेज का रेंग किस टाइप के पॉन्ड में होता है इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे पहले हम इसके लाइफ साइकिल को अच्छे से देख लेते हैं अब आपको सारा जो है वो अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि किस स्टेज में क्या होता है तो अभी हमने बात की थी कि आपका फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है लार्वा स्टेज लार्वा स्टेज के बाद जो है वो आपका स्पॉन स्टेज आती है एग से लार्वा स्टेज

Uh, कि इसमें सैक होगा माउथ प्रेजेंट नहीं होगा स्पॉन स्टेज में क्या होगा माउथ का डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा माउथ डेवलपमेंट यहां पे हो जाएगा और फ्राई स्टेज में क्या होगा आपका uh, फिश का ट्रू शेप डेवलप हो जाएगा फिश शेप डेवलपमेंट जो फिश का एक्चुअल अब यहां पे हम इसको ये नहीं बोल सकते कि फिश की शेप है बट ये वाली शेप जो है आपकी सॉरी ये वाली जो शेप थी वो आपकी फिश की शेप नहीं होती है बट यहाँ पे फिश की ट्रू शेप होने डेवलप होनी स्टार्ट uh, हो जाएगी और फिंगरलिंग स्टेज में आगे क्या होगा उसका प्रॉपर साइज भी डेवलप हो जाएगा तो इसमें फिश की शेप डेवलप होगी फिंगरलिंग में क्या है फिश का साइज डेवलपमेंट होगा ज्यादा एंड अगर हम बात करें कि फ्राई से फिंगरिंग स्टेज तक का टाइम पीरियड कितना होता है तो वो होता है आपका सेवन टू टेन डेज और हैचलिंग से लार्वा से स्पॉन स्टेज तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है टू टू थ्री डेज इसकी तो वैसे हमने बात कर ली है तो ये आपका टाइम पीरियड जो होगा इस प्रकार से रहेगा उसके बाद हम बात करते हैं जो है, इसकी तो अभी ये तक हमने क्या किया है? कि फर्स्ट स्टेज कौन सी लारवा है प्लस टू माउथ डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी टू टू थ्री डेज तक जो है वो अपना एक्सटर्नल फूड नहीं लेंगी क्योंकि उसको फूड जो होगा वो यॉक्सैक से ही अब्जॉर्ब मिलेगा एंड उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है फिंगरलिंग स्टेज फिंगरलिंग का मैंने आपको बता दिया है फिश का साइज जो है फिंगर के साइज जितना डेवलप हो जाएगा उसको हम फिंगरलिंग स्टेज बोलते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट जुवेनाइल स्टेज इसमें क्या है जिस स्टेज में फिशेज जो है वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होना स्टार्ट होंगी उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं और उसके बाद आता है एडल्ट स्टेज स्टेज में जो है फिश कैपेबल होंगी फॉर द रिप्रोडक्शन फॉर द एग लेइंग तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल था उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो है स्पॉनिंग स्पॉनिंग क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो फिशेस के अंदर जो एग ले का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं स्पॉनिंग बोलते हैं तो नॉर्मल सी टर्म है स्पॉनिंग क्या होता है क्योंकि फिश के लार्वा को हमने क्या बोला है आपका जब लार्वा लार्वा के अंदर एब्जर्व हो गया है तो वो जो स्टेज आई है उसको हमने स्पॉन बोला है तो अब स्पॉनिंग ही मतलब वहीं से ड्राइव किया गया है तो इसमें क्या है प्रोसेस ऑफ एग एंड स्प रिलीजिंग इस चीज को हम

आपका अभी मैंने बताया था आपको आपका जो स्पॉन टू फ्राई स्टेज है सॉरी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया जो स्पॉन टू फ्राई स्टेज है ये आपकी सेवन टू टेन डेज की है और ये आपकी जो स्टेज है वो कितनी है थर्टी टू नाइनटी डेज की तो ध्यान रखना इस चीज का और ये आपकी जो थी वो टू टू थ्री डेज की थी और ये वाली जो है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली uh, 24 टू 36 सिक्स आवर्स की होती है तो इस प्रकार से जो है इसका लाइफ साइकिल होता है और उसके बाद अगर हम बोल दें कि जुविनाइल स्टेज uh, आपका फिंगरलिंग स्टेज से जो एडल्ट स्टेज है उसको जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 12 मंथ्स लगती हैं तो ये आपका होल लाइफ साइकिल है फिशिस का किसमें क्या होता है ओके okay, यस yes. तो आपका जो है ये मेन इसका लाइफ साइकिल था स्पॉन फ्राई फिंगरलिंग क्या होती है फ्राई स्टेज uh, में साइज कितना होता है वन टू टू सेंटीमीटर होता है और फिश की ट्रू शेप डेवलप हो जाती है और फिंगरलिंग स्टेज में इसका साइज जो होगा वो आपका फिंगर की लेंथ के जितना होगा अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज हम उसको टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर बोल देते हैं इसके अलावा स्पॉनिंग वर्ड क्या होता है और हम बात कर रहे थे फिक फैकर्डिटी की तो फैकंडिटी टर्म क्या होती है तो क्या मतलब है फैकंडिटी का या फिर आपको यह भी आ जाएगा फिश फेकंडिटी क्या होती है तो फेकंडिटी का मतलब है कि एग लेइंग एबिलिटी या फिर एग कैपेसिटी उस चीज को हम क्या बोल देते हैं फैकंडिटी बोल देते हैं कि उसका एग लेइंग का रेट कितना है एक फिश का एक हेल्दी फिश का तो एग लेइंग एबिलिटी को जो है वो फैकर्निटी बोला जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एनिमल रेयरिंग हम करते हैं लाइक लाइफ स्टॉक एनिमल्स हो गए या कितने जो भी एनिमल्स हैं उन सभी के उन सबसे ज्यादा जो फैक्निटी रेट है वो फिशेस के अंदर सबसे ज्यादा होता है हाईएस्ट होता है अगर हम बात करें तो वन के जी जो हेल्दी फिशिज हैं उसका जो फैकर्निटी रेट होगा वो पॉइंट वन मिलियन होगा मतलब कि वो इतने एक्स को प्रोड्यूस करेंगी पॉइंट वन मिलियन एक्स को प्रोड्यूस करेंगी और वहां से ईच एग से एक पर्टिकुलर एग से जो है वो वन के जी हेल्दी फिश जो है वो डेवलप होगी तो इसी वजह से हम इस चीज को बोल देते हैं कि फैकल टर्म क्या होती है और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर फिश सॉरी uh, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर फैक्नेटी रेट जो है वो हाईएस्ट होता है तो फिशेस के अंदर वो रेट जो है वो हाईएस्ट होता है उसमें एबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से जो है वो मिलियन ऑफ एग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन केजी ऑफ हेल्दी फिश से हेल्दी फिश स्टॉक से तो अभी ये हमारी बात थी फिश इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में फिश फैकर्निटी के बारे में इसके लाइफ साइकिल के बारे में किस स्टेज में किस चीज की डेवलपमेंट होगी सारा हमने डिस्कस कर लिया है उसके बाद नेक्स्ट आता है फिशिस का जो ये पर्टिकुलर वही मैं आपको बता रही थी कि तीन काइंड के पॉन्ड्स में हम इनकी रेयरिंग करते हैं मेनली स्पॉन टू फ्राई स्टेज को एक पॉन्ड में किया जाता है फ्राई टू फिंगर लिंग को दूसरे पॉन्ड में किया जाता है और ग्रो आउट कल्चर को मतलब की फिंगर लिंग से लेके अडल्ट स्टेज को जो है वो डिफरेंट पॉन्ड में रेयरिंग की जाती है तो बता सकते हो कि उन तीनों पॉन्ड्स को हम क्या क्या बोलते हैं है तो ये आपके लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट अब आपने बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स को क्या-क्या बोला जाता है उतना टाइम हम वही चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो है वो अभी तक पढ़ा था कि स्पॉन टू फ्राइड स्टेज कितने दिनों की है 15 डेज लिखा हुआ है यहाँ पे बट हमने बोला था 7 टू 10 डेज वो कितना वो कौन सा था आपका स्पॉन टू फ्राइड डेज मिनिमम जो था वो 10 डेज का होता है और मैक्सिमम जो है वो 15 डेज का होता है इसी के बीच में 7 टू 15 के बीच में वो लाई करता है उसके बाद आती है फ्राइड टू तो फिंगर स्टेज एप्रोक्सीमेटली 30 टू 90 डेज की होती है उसके अलावा आता है फ्राइट आ, फिंगरिंग टू एडल्ट स्टेज वो आपका जो है वो टेन टू ट्वेल्व मंथ्स की होती है तो कल्चर पॉइंट्स तो चलो ठीक है आपका बट वहां पे हम उसको पर्टिकुलर पॉइंट्स को किस किस स्टेज के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई करेंगे कैसे उनकी नेमिंग करेंगे तो ये आपने बताना था वैसे बेसिकली मैं आपको बता ही देती हूँ उसमें मेनली तीन पॉइंट जो होते हैं सबसे पहले हमारा जो पौंड आएगा उसको नर्सरी पॉउ बोलते हैं उसके बाद वाला हमको हम ईयरिंग पॉउ बोलते हैं और लास्ट वाले को जो है वो स्टॉकिंग पॉइंट बोलते हैं इसको जो है वो ग्रो आउट पॉउंड भी बोला जाता है तो दोनों ही इसके नेम्स है अब आपको भी पता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर या किसी भी हम बोल सकते हैं कि क्रॉप की अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज आती है नर्सरी स्टेज आती है नर्सरी स्टेज में क्या होता है जब प्लांट काफी छोटा होता है हम कम एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स की प्रोडक्शन करते हैं उनकी केयर करते हैं वहां पे या उनकी वहां पे मेंटेनेंस ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स की होती है तो उस एरिया को पर्टिकुलर एरिया को हम जो है वो नर्सरी बोलते हैं तो उसी प्रकार से फिशेज के अंदर भी जहाँ पे स्पॉन से लेके फ्राई स्टेज तक की रेयरिंग हो रही है उस पॉन्ड को हम क्या बोलेंगे नर्सरी पॉन्ड बोलती हैं अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है एक तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर जो आपका रियरिंग हो रहा है वो किस स्टेज से किस स्टेज तक का हो रहा है तो वो आपका स्पॉन टू फ्राई स्टेज का होता है मेनली तो स्पॉन स्टेज कौन सी थी जहां पे आके आपका यॉक सैक एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद आपकी फ्राई स्टेज आती है स्टॉकिंग साइज तो स्टॉकिंग साइज मेनली ओके कल्चर पॉन्ड का स्टॉकिंग साइज डिस्कस कर रहे हैं कि पौंड टू फ्राइ पॉन्ड में रेड की जाती है मतलब कि इसका वो इस पॉन्ड में जो है वो रेरिंग करेंगे उसके बाद बात आती है, रेरिंग पॉन्ड की रेरिंग पॉन्ड का मतलब क्या है फ्राई टू फिंगलिंग स्टेज में हम जो रेडिंग कर रहे हैं मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा थर्टी टू नाइन्टी डेज का रहेगा इस पॉन्ड में हमारी कल्टिवेशन जो है वो इतने टाइम की होगी उसके बाद आता है स्टोकलिंग पॉन्ड या फिर ग्रो आउट आपका टाइम रहेगा वो रहेगा टेन टू ट्वेल्व मंथ्स का अप्रॉक्सीमेटली वन ईयर का इसमें जो फिश का साइज डेवलप होगा एंड में वो अप्रोक्सीमेटली 800 ग्राम से लेके 1 केजी तक का फिश का साइज जो है वो डेवलप हो जाता है एंड स्टेज में आके ग्रो आउट स्टेज तक तो अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा कि पॉन्ड्स का साइज क्या होता है तो अगर हम बात करें नर्सरी पॉन्ड की तो सबसे कम एरिया जो है वो नर्सरी पॉन्ड का ही होता है क्योंकि इसमें फिशिज का साइज काफी स्मॉल है काफी उनकी जो अर्ली एज है अर्ली स्टेज है तो इसी वजह से साइज जो होगा वो स्मॉल ही रहेगा तो क्या साइज है पॉइंट टू पॉइंट इसका जो है वो साइज होता है एग्जाम में आपको एज इट इज ऑप्शन आएगा उसके बाद जो, जो, जो रेयरिंग ग्रो, ग्रो का या फिर उसको हम रेरिंग भी बोल देते हैं सॉरी स्टॉकिंग उसको बोल देती है उसके बाद आती है डेप्थ अब डेप्थ के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम पौंड की प्रेपरेशन कर रहे हैं फिशरीज के लिए उस

वाटर इनफिल्ट्रेट करने से क्या होगा आपका कि उसका जो है वाटर पे उस लेयर के जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा जिससे क्या होगा हम रेयरिंग नहीं कर सकते हैं। पानी पौंड के अंदर नहीं फिल हो पाएगा तो इसी वजह से क्या है उसमें उस पर्टिकुलर पौंड में जो है वो आपका उसकी फिश की रेयरिंग जो है वो उस प्रकार से की जाती है कि

लेयर को हार्ड करना पड़ेगा तभी वो जो है वो सुटेबल रहेगी पॉन्ड के अंदर। दूसरी बात है, कि जिन में है मतलब कि जिन जो आपने याद करनी ही है बट दूसरा ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रेनफेड वो कितनी होनी चाहिए अब आपको भी पता है कि जो एरिया फेड एरियाज है मतलब कि जो कि टोटली रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है तो वहां पे हमारा पर्पस क्या रहे?

रहा है वेट भी इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा फिशेस को ज्यादा एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए तो तब डेप्थ भी ज्यादा होनी चाहिए तभी उनका प्रॉपर जो है वो लाइफ साइकिल वहां डेवलप हो पाएगा तो इसी वजह से क्या है सारी चीजें पे इंपॉर्टेंट है अब अगर आप रेनफेड की बात करोगे तो बस आपने अगर ये चेंजेस को याद कर लिया है तो इसमें से पॉइंट फाइव एड ही करना है सभी में तो आपका रेनफेड पॉउ का जो है वो डेप्थ आ जाएगा तो एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तो आपका पॉन्ड की डेप्थ दोनों की ही इरीगेटेड एरियाज की भी प्लस आपका जो है वो नॉन इरीगेटेड मतलब की भी

लाइम रिक्वायरमेंट इन पॉन्ड तो अब आपको पता है कि अगर पॉन्ड की सॉइल एसडीक होगी तो उसके अंदर क्या होगा एसडिक सॉइल को हमें रिक्लेम करना पड़ेगा उसकी रिक्लेमेशन करनी पड़ेगी तो तभी हम क्या करते हैं उसके अंदर हम लाइम की एप्लीकेशन करते हैं टू मैनेज द पॉन्ड वैसे तो ये पॉन्ड मैनेजमेंट का पार्ट हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाली हैं बट फिर भी अगर आपने पूछा है तो इसके लिए आपका लाइम का रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करेगा क्रॉप आपका पॉन्ड की पीएच के अकॉर्डिंग अगर पीएच काफी कम है तो लाइम रिक्वायरमेंट जो होगी वो ज्यादा होगी और अगर पॉन्ड की पीएच जो है वो ज्यादा हो रही है तो उससे लाइम रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जाएगी तो कैसा होता है इसका रेंज वो भी आप देख लेना थोड़ा सा लाइम रिक्वायरमेंट है और ये आपकी स्वाल की पीएच पौन पीएच बोल सकते हैं हम इसको तो इसमें फर्स्ट रेंज हम बोल सकते हैं कि फोर टू फाइव अगर पी है फाइव टू सिक्स है सिक्स टू सेवन पॉइंट फाइव है इसमें आपका एक रेंज मिस हो गया और 7.52, पॉइंट फाइव टू सेवन से ग्रेटर है या 7.52 पॉइंट फाइव टू अगर हम 8.5 की बात करें तो इसमें आपका जो रेंज रहेगा वो 2000, 1500 और वट्स कॉज एसटी टू फिश इन पॉन्ड मैन। तो फिश इज में हम क्या कर रहे हैं वेट आपका पीएच की अगर हम बात करें 4.525, पॉइंट टू टू इसमें जो आपका लाइन रिक्वायरमेंट रहेगा

एंड अगर हम बात करें क्योंकि हमने पॉन्ड का जो साइज है वो भी एक्टिर्स में ही किया है तो उसी प्रकार से उसका जो है लाइम का रेट है वो भी उसी प्रकार से ही है और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपका आपने क्वेश्चन पूछा था लाइम क्यों एसडीक होगा तो हम क्या कर रहे हैं मेनली फिश को फीड के लिए वहां पे फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो फिश का एक्सक्रीशन हो रहा है वहां पे या फिर जितने भी और एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स है वहां पे उनका एक्सक्रीशन हो रहा है तो उससे क्या होगा उन सभी चीज़ों से जो है वो स्पॉन्ड की एसडी की एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी और इसी वजह से क्या है सॉल्व भी एसडीक हो जाएगी और फिर हमें उसकी जो है वो नेक्स्ट टाइम पॉन्डिंग स्टॉकिंग से पहले उसकी जो है वो क्या करना पड़ेगा लाइम रिक्वायरमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी पॉन्ड पीएच को चेक करना पड़ेगा और पीएच को मैनेज भी करना पड़ेगा तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट था लाइम कैसे रिक्वायरमेंट इसकी क्या होनी चाहिए फॉर तो आपका और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपका मेन एसडीक्यू uh, होती है दूसरा हम फी फिश uh, पॉन्ड में कौन-कौन से अब आपको पता होगा कि हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दोनों का एप्लीकेशन करते हैं तो इन दोनों से क्या होगा पौंड की एसिडिटी तो एसिडिटी uh, पीएच के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा पीएच अल्कलाइन भी हो सकती है एसडीक भी हो सकती है डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं किस टाइप के मैन्योर का यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका सारा जो है वो चेंज हो जाएगा बायो टेक्नोलॉजी बायो फ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है बायो फ्लॉक टेक्नोलॉजी को हम इन शॉर्ट में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी बोल सकती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी भी बोल सकती है ये आपका ऐसे आपका आ, ये आपका जो प्रॉपर है बायोटेक फ्लॉक टेक्नोलॉजी उसमें मेनली जो प्रिंसिपल होता है आपका वो क्या होता है फ्लोकुलेशन अब फ्लोकुलेशन क्या होती है आपको पता होगा कि क्या होती है और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो इस प्रकार से आपका ये टेक्नोलॉजी होती है होती क्या है इसके अंदर किस किस प्रकार से मैनेजमेंट की जाती है वो हम इसको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि ऐसे जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता है इसको प्रॉपर वेव के साथ प्रॉपर क्लास में ही प्रॉपर टाइमिंग के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा और इसके अलावा आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिशरीज के न्यू पार्ट के साथ एज वेल एज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मिलती है नेक्स्ट सेशन में थैंक यू